30 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति दार्शनिक स्वभाव के हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हर बात को गंभीरता से लेते हैं, गहराई में जाकर चिंतन करने वाले लोग हैं ये। इन्हें सांसारिक बातों में कुछ खास उत्सुकता नहीं रहती। ये अपने आप को इस सांसारिक दुनिया में अकेला अकेला सा महसूस करते हैं। ये लोग अपने मन के विचारों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिस कारण लोगों के मन में इनके प्रति या फिर इनके मन में लोगों के प्रति गलतफहमी बनते देर भी नहीं लगती है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप ये लोग बनाकर रखते हैं, जिस कारण दूसरों से वक्त पर इनको मदद भी नहीं मिल पाती है। लाइफ के हर कदम पर अपने आप पर ही इन्हें निर्भर रहना पड़ता है। अपनी मेहनत के बल पर ही ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग धीमी गति से काम करने वाले होते हैं। हर काम को विलंब से यानी कि लास्ट मोमेंट पर करने की इनकी एक आदत सी बन जाती है। अति महत्वाकांक्षी होते हैं। इनका लक्ष्य सदैव आगे बढ़ना और ऊपर चढ़ना रहता है। अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई बार तो ये स्वार्थी क्रूर तक बन जाते हैं। इन लोगों के लिए अपने आत्मसम्मान, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा का भारी महत्व होता है। इसी कारण ये हमेशा सतर्क भी रहते हैं। परंपरावादी हैं, मितव्ययी यानी कि कम खर्चा करने वाले, अपने प्रत्येक काम को सुचारू रूप से पूरा करते हैं। सोच समझकर कदम उठाने की इस प्रवृत्ति के कारण कोई बड़ा जोखिम उठाने से पहले ये 100 बार सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति भले ही अपने लक्ष्य के निर्धारण में समय लगाते हों, लेकिन एक बार निश्चय कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को ये बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। इस मैटर में ये बहुत सीरियस होते हैं। यहाँ तक कि अपने मित्रों का चुनाव, अपने जीवन साथी का चुनाव भी उनकी पद और उनकी प्रतिष्ठा को देखकर ही करते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने की कल्पना इन्हें पीड़ा पहुंचाती है। इतिहास और प्राचीन वस्तुओं में इनकी विशेष रूप से रुचि रहती है। अपने उद्यमशील स्वभाव, धैर्य, लगन और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, जिस कारण ये लोग आर्थिक रूप से भी सफल रहते हैं। अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। परंपरावादी तो है ही, अपने गंभीर स्वभाव के कारण लाइफ को जीने का आनंद ही नहीं ले पाते हैं। इनकी मैरिड लाइफ प्रायः उदासीन ही देखने को मिलती है या फिर लाइफ में करवाहट रहती है। कामुक प्रवृत्ति के काफी होते हैं। धन के प्रति भी इनका मोह ज्यादा रहता है, लेकिन अपने परिवार से ये बहुत प्रेम करते हैं। अपनी हर जिम्मेवारी को पूरा भी करते हैं। इन लोगों का शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। 16 की आयु के बाद इनकी हाइट तेजी से बढ़ती है। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता चला जाता है। इनके चेहरे पर हमेशा चिंता ही देखने को मिलती है। मुस्कुराते ये बहुत ही कम मिलेंगे। विपरीत लिंग के प्रति हमेशा आकर्षित रहते हैं, लेकिन जताते नहीं हैं। 30 दिसंबर को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 3। 3 का अंक यानी कि गुरु बृहस्पति की एनर्जी, लेकिन इस 3 के अंक के साथ 0 की एनर्जी भी आपकी बर्थ डेट में शामिल है, यानी कि अपने आप में एक संपूर्ण एनर्जी। 3 के पीछे लगा 0 आपको संपूर्ण कर देता है। 3 के अंक की वाइब्रेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। 3 के इस अंक को ध्यान से देखिए, ओंकार की शेप में नजर आता है ना, साथ में 0। इन्हें कभी झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सूर्य यदि किसी के काबू में आता है तो वो है गुरु। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है, तो किसी गुरु वाले के साथ जोड़ दो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य की पार्टनरशिप अगर किसी के साथ काम करेगी तो वो है गुरु के साथ, क्योंकि सूर्य में ईगो बहुत ज्यादा है। वो अगर किसी की बात मानेगा तो सिर्फ गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति एक ऐसी वाइब्रेशन है जो किसी भी वाइब्रेशन को काबू कर सकती है, किसी भी प्लेनेट को, किसी भी ग्रह को। सिर्फ गुरु ही सही दिशा प्रदान कर सकता है। ज्ञान, समृद्धि और दूसरों को बरकत देना, अपनी समझबूझ से आगे बढ़ना, दूसरों के प्रति सद्भाव रखना, हमेशा दूसरों को खुश रखना, यही इनके जीवन का सार है। 3 का अंक यानी इंटेलिजेंस, विजडम, अट्रैक्शन, रिलीजन, रिच इन नॉलेज। 3 के अंक वाला ज्यादा एक्सप्रेस करने वाला होगा, अपनी बात को अच्छे से समझाने वाला होगा। इसके पास भंडार होगा सब चीजों का, हर बात का इनके पास जवाब होगा। लेकिन 30 के अंक वाला एक्सप्रेस करने में ज्यादा अच्छा होगा, ह्यूमरस ज्यादा होगा, बेहतर क्रिएटिविटी वाला होगा,
ये हर चीज को लाइवली बना देगा, आपको ऐसा लगेगा कि सामने ही पिक्चर चल रही है, जो ये बोल रहे हैं आपको सामने लाइवली दिखा देगा। यही अंतर है 3 और 30 के अंक में, शून्य की एनर्जी में। 30 का ये अंक विचारों का संतुलन है, गहन अध्ययन का सूचक है, भौतिकवाद का सूचक है, बहुत ही शक्तिशाली अंक है ये, किंतु इसकी शक्ति व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। अंधेरे में भी आशा की किरण ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, अच्छाई सबसे पहले इनको ही दिखती है। 30 दिसंबर को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मकर, इसके स्वामी है शनिदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य मकर राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य धनु राशि में है तो आपको मेरी 30 नवंबर वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य कुंभ राशि में है तो आपको मेरी 30 जनवरी वाली वीडियो देखनी होगी, तभी आप अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहां आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रिडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 30 दिसंबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर गुरु बृहस्पति और मकर के शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। गुरु के ही प्रभाव के कारण आपका व्यक्तित्व दूसरों को इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला होता है। आपकी वाणी से आपके विवेक, आपकी समझ बूझ का पता चलता है, इसलिए अक्सर लोग आपसे अपनी समस्याओं का समाधान भी पूछने आते हैं। आपकी सोच पॉजिटिविटी को दर्शाती होगी। आप बहुत ही फ्रेंडली हैं, रिस्पेक्टफुली बात करने वाले और दूसरों का सम्मान करने वाले हैं। अकेले ही अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं आप, एम्बिशियस हैं, हर चीज़ की गहराई में जाकर समझते हैं, काम को परफेक्शन के साथ करना पसंद करेंगे, जीरो से शुरुआत करते हैं और लाइफ में एक ऊंचा मुकाम पाकर रहते हैं। आपकी वर्बल और राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, किसी न किसी कला के क्षेत्र से भी जुड़े होंगे। कई बार आप बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में अपना समय नष्ट तो करते ही हैं, अपनी एनर्जी भी ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट कर लेते होंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का कि आपका जन्म जो हुआ है ज्ञान बांटने के लिए हुआ है, छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए नहीं। आपको अपना एक अलग रुतबा, एक अलग स्टेटस बनाकर चलना होगा। इन छोटी छोटी बातों से आपको अपनी इमेज खराब बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी आपसे नाराज ना रहे। दूसरों के प्रति आप सद्भावना रखते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते रहते हैं, समाज में एक ऊंचा दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं। लोगों से आपको मान सम्मान भी खूब मिलता है। जहां जाते हैं अपने व्यक्तित्व की छाप तक छोड़ जाते हैं, यानी कि आपके वहां से चले जाने के बाद भी लोग आपको याद रखते होंगे। लेकिन आप लोगों में कमी एक ये भी देखने को मिलती है कि आप लोग अपने आप में गुम रहते हैं। दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप अपने आप तक को भूल जाते हैं, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को भी और अपनी दिनचर्या में भी लापरवाही कर बैठते हैं। वैसे आप लोग बहुत ही ग्राउंडेड फिगर हो सकते हैं, सादगी पसंद लोग, जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप लोग शो ऑफ की दुनिया से बाहर रहते हैं। जिसके लिए भी काम करते हैं या जिन लोगों से भी आप जुड़ते हैं, आप उनके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं, लेकिन अपने मैटर में आप लापरवाही बरतते रहते हैं। लोगों की मदद करना किसी भी रूप में, ये आपके जीवन का मूल आधार हो सकता है। आप लोग दूसरों की चिंता बहुत करते हैं, क्योंकि आप लोग केयरिंग पर्सन हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं।
अगर आपका गुरु अच्छा हुआ तो ये सब बातें आपके भीतर अवश्य होंगी। वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपको सेवा भाव देते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं, न्याय के देवता हैं, हमें धैर्य और लगन से कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं। राजा हो या रंक, सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। मकर राशि का शनि इन्हें एक गंभीर दार्शनिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति हृदय से थोड़े कठोर या स्वभाव से क्रूर हो सकते हैं, भावुक नहीं होते हैं, किशोर अवस्था से ही उम्र से बड़ी सोच रखने लगते हैं। लोगों द्वारा प्रायः इन्हें गलत समझा जाता है, जिस कारण ये समाज से थोड़े कटे कटे रहते हैं। प्रेम, कर्तव्य, पद प्रतिष्ठा के प्रति इनके विचार अद्भुत होते हैं, जिस कारण लोग इन्हें आसानी से समझ नहीं पाते हैं। लोगों के बीच में ये लोग आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधी खरी बात बोलते हैं जो सत्य के करीब होती है। लोग अगर इनकी बातों को ध्यान से समझें तो अवश्य लाभ प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी तो रखते हैं, लेकिन उदासीन रहते हैं। इन लोगों को सामाजिक जीवन को अपना लक्ष्य लाना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में ये सफल होते हैं। सरकारी संस्थानों में या महत्वपूर्ण पदों पर जहां इन्हें दूसरे लोगों को नियंत्रण में रखकर कार्य करना हो, वहां पर ये लोग सफल रहते हैं। वैसे इन लोगों का वर्क प्लेस पर भी काफी भारी विरोध होता है, लेकिन ये उसका सामना दार्शनिक भाव से करते हैं। गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, सात्विक सौम्य स्वभाव देते हैं, ज्ञान का परिचायक हैं, हमारे विवेक हमारी समझ बुद्ध को दर्शाते हैं। हर चीज को जानने की, समझने की, सीखने का जज्बा ऐसे लोगों में होता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हर बात की तह तक जाने में ये लोग माहिर हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति यानी कि रिसर्च के क्षेत्र से, साइंटिस्ट, गुण गहन गुप्त रहस्यमय विद्याओं से, ऑकल्ट से, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। गुरु यहाँ आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं, तो शनि यहाँ अपना कर्म करने के लिए आपको बाध्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति मानवीय गुणों से भरपूर तो होते ही हैं, अपने उद्देश्य के प्रति भी ईमानदार और वचनबद्ध रहते हैं। ये लोग अतिवादी नहीं होते, इनका ज्ञान व्यापक होता है, फिर भी आप लोगों को ठीक से समझ पाना आसान काम नहीं है। दूसरों की बातों में आप सहज नहीं आते, हर समस्या का बारीकी से पहले विश्लेषण करते हैं, तब जाकर कोई डिसीजन लेते हैं, यानी कि जल्दबाजी में आप कोई भी काम नहीं करते हैं। आप लोगों का व्यक्तित्व क्यूरियोसिटी बहुत है, तो खोजी प्रवृत्ति का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए होता है। इसी कारणवश शनि के प्रभाव के कारण आपका व्यक्तित्व रहस्यमय स्वभाव का भी हो जाता है। गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो वहीं दूसरी ओर शनिदेव एक क्रूर ग्रह के रूप में माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही न्याय के पक्षधर होते हैं। जहां शनिदेव क्रूरता से कर्म फल प्रदान करते हैं, वहीं गुरु बृहस्पति उदारता का परिचय देते हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखलाते हैं। दोनों ही ग्रह प्रभावशाली हैं, दोनों ही मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं, दोनों ही ग्रह बड़े हैं। गुरु बृहस्पति और शनि का मिलन आपको एक धार्मिक सोच वाला व्यक्ति बनाता है, अच्छे कर्म करने को बाध्य करता है। गुरु बृहस्पति व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराकर सही रास्ते का ज्ञान कराते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शनिदेव जो कि कर्म प्रधान है, न्यायप्रिय है, बुरे कर्मों का व्यक्ति को दंड देकर सही रास्ते की ओर लेकर जाते हैं। पापी और दुष्ट व्यक्तियों को सजा और कष्ट देकर कठिन सबक देते हैं, उन्हें आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोनों ही ग्रह मानवतावादी हैं, न्यायप्रियता का संदेश देते हैं, दोनों ही ग्रह अनुशासन में चलना सिखाते हैं, दोनों ही ग्रह ईश्वर की भक्ति का, आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बस दोनों का तरीका अलग है, एक दंड देकर समझाता है तो दूसरा सही गलत की पहचान कराकर अपने विवेक से अच्छे कार्य करने पर बल देता है। गुरु बृहस्पति उदार हृदय का परिचय देते हैं, इसीलिए अच्छे माने जाते हैं, जबकि शनिदेव सबको एक समान फल देते हैं, इसीलिए क्रूरता से फल प्रदान करते हैं। लेकिन दोनों ही ग्रह प्रभावशाली हैं, आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी सफल रहते हैं, एक अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में लोगों के सामने उभर कर आते हैं, आप लोग धैर्यशील होते हैं। शनि आपको दुख दर्द तकलीफ सहने की आदत भी डाल देता है। गुरु आपको सात्विक और सौम्य स्वभाव देता है, तो शनि आपको तामसिक और क्रूर प्रवृत्ति भी देता है। दोनों में ही विपरीत समानताएं हैं, गुरु अगर वृद्धि कारक है तो शनि दुख, उदासीनता और संघर्ष का कारक है। गुरु की दृष्टि सुख कारक है तो शनि की दृष्टि दुख कारक है।
फिर भी गुरु और शनि के संबंध को शुभ फल देने वाला ही बताया गया है। शनि का गुरु के साथ संबंध होने पर शनि अपेक्षाकृत अधिक शुभ फल देने वाला बन जाता है, इसीलिए आप लोगों में भी भक्ति भावना अधिक पाई जाती है। गुरु धार्मिकता, पूजा पाठ, देव का कारक है, तो शनि वैराग्य, उदासी, एकांतवास के कारक हैं। गुरु ज्ञान है, भक्ति है, तो शनि त्याग है, वैराग्य है। अगर कुंडली में आपके गुरु और शनि की स्थिति मजबूत अवस्था में हुई तो कुछ ऐसे ही फल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके विपरीत अगर कुंडली में गुरु या फिर शनि की स्थिति खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के हर काम में बाधा आएगी, संघर्ष भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। कठिन परिश्रम करने के बाद भी मेहनत का फल वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको डिजर्व करते हैं। ऐसा व्यक्ति अधर्मी हो सकता है, ईश्वर का विरोधी हो सकता है, जीवन की हर समस्या के लिए वो ईश्वर को दोषी मानने वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को विद्या में, धन प्राप्ति करने में भी काफ़ी बाधाएं आती हैं। कुछ भी नया सीखने में, समझने में उसको दिक्कत आती होगी। अपनी बात को वो दूसरों को समझाने में स्पष्ट नहीं कर पाता होगा। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होगा, आलसी होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, जिस कारण किसी बड़ी बीमारी का वो शिकार भी हो सकता है। इन लोगों को मित्रों और परिजनों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाता है, कोई इनके काम नहीं आता है। इनका झुकाव भी निम्न कार्यों की ओर होने लगता है, पतन का रास्ता ऐसे व्यक्ति पकड़ लेते हैं। फिर चारित्रिक दोष और नशा एक सामान्य सी बात रह जाती है। कुंडली में आपके शनि देव और गुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके शनि देव कैसे हैं, आपके गुरु कैसे हैं, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब शनि और गुरु के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति या तो ईश्वर में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला होगा, कट्टर विचारधारा का होगा, या फिर ईश्वर के नाम पर भी पैसा कमाने में कोई संकोच नहीं करेगा। यानी कि या तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर से डरते होंगे, कर्मयोगी होंगे, या फिर ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते होंगे, पूर्ण रूप से नास्तिक होंगे। ऐसे व्यक्ति मध्यमार्गी नहीं होते हैं। 8 अंक वाले लोगों का भाग्य साथ क्यों नहीं दे पाता, अंक 8 और 4 की मिस्ट्री पर बनी मेरी ये वीडियो आप अवश्य देखेगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर शनि खराब स्थिति में है तो शनि के उपाय करें, और अगर गुरु कमजोर अवस्था में है तो गुरु के उपाय करें। उपाय जानने के लिए आप मेरी ये शनि और गुरु के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इन सब के बावजूद भी अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य, 2 का अंक चंद्रमा और 9 का अंक मंगल का। आपके सम अंक हैं शनि और केतु, यानी कि 7 और 8 का अंक। आपके शत्रु अंक हैं 4, 5 और 6 का अंक, यानी कि राहु, बुध और शुक्र। आपके लिए शुभ तिथि है 3, 12, 21 और 30 तारीख। आपके शुभ दिन हैं गुरुवार और मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है पीला, केसरिया, नारंगी, गोल्डन कलर, रेड येलोइश कलर। आपको डार्क रंग्स को अवॉइड करने चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 1 जनवरी से 27 जनवरी, 21 फरवरी से 27 मार्च और 21 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य जन्मे लोग। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस समय के बीच में कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, 3, 12, 21 या 30 तारीख को कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जून से 27 अगस्त और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी।
जय श्री कृष्णा दोस्तों।